जय हिंद दोस्तों। हिमालय में चाइना और पाकिस्तान को टक्कर देने की भारतीय सेना की क्षमता को भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट जोरावर के तहत 354 लाइट टैंक्स के अधिग्रहण के लिए एक स्वदेशी परियोजना शुरू की है। भारतीय सेना और DRDO के बीच चल रहे मतभेदों के कारण इस मेगा प्रोजेक्ट में अड़चन आ गई थी, लेकिन अब डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि इंडियन आर्मी और DRDO के इश्यू को सोल्व कर दिया गया है, जिससे प्रोजेक्ट जोरावर पर काम करने का रास्ता साफ हो गया है। 354 लाइट टैंक्स में से 59 का निर्माण DRDO द्वारा किया जाना है, जबकि बाकी का उत्पादन डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के MAC-1 श्रेणी में सरकार द्वारा वित्त पोषित डिजाइन और विकास परियोजना द्वारा किया जाएगा। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल 17,500 करोड़ की अनुमति लागत पर प्रोजेक्ट जोरावर के तहत AON का अनुदान लेगी। हालांकि DRDO का कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पहले से ही प्राइवेट सेक्टर के हैवी वेट लार्सन और टूब्रो के सहयोग से एक लाइट टैंक प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए काम कर रहा था, लेकिन भारतीय सेना चाहती थी कि MAC-1 श्रेणी के सभी 354 टैंक्स प्राइवेट सेक्टर द्वारा डेवलप किए जाए। DRDO का कहना था कि इसका पहला लाइट टैंक प्रोटोटाइप 2023 के मध्य तक रोल आउट हो जाएगा, इसलिए निर्णय यह है कि 59 टैंक्स को DRDO के लिए आरक्षित किया जाएगा। माना जाता है कि लाइट टैंक्स में उनके नियमित समकक्षों की तुलना में अधिक गतिशीलता होती है और आमतौर पर पहाड़ी युद्ध के लिए तैनात किए जाते हैं। प्रोजेक्ट जोरावर के तहत विकसित किए जा रहे हल्के टैंकों का वजन 25 टन से भी कम होगा, जिसमें उच्च शक्ति और भार अनुपात के साथ साथ मार्ग क्षमता और सुरक्षा भी होगी। भारतीय सेना इन हल्के टैंकों को हिमालय में तैनात करेगी। भारतीय सेना को कुछ समय से लाइट टैंक्स की आवश्यकता महसूस हो रही थी, लेकिन लद्दाख में चीन के सभी सैन्य गतिरोध के दौरान उसकी आवश्यकता ध्यान में आ गई। 2020 में जब लद्दाख गतिरोध शुरू हुआ, तब भारतीय सेना ने रूस निर्मित T-90S और T-72 युद्धक टैंकों को तैनात किया था। हालांकि इनका वजन 40 से 50 टन है और इतनी ऊंचाई पर ये अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि इन्हें मैदानी और रेगिस्तान के संचालन के लिए डिजाइन किया गया था। इसलिए इन लाइट टैंक्सों की आवश्यकता पड़ रही है, ताकि ये पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर पाए। दोस्तों, आपको प्रोजेक्ट जोरावर के बारे में क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और वीडियो यहाँ तक देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।